फोन राजेंद्र जी, वेलकम टू IIJS वर्चुअल सेकंड एडिशन विच इज स्टार्टिंग इन जनवरी फ्रॉम 8th टू 12th विच इज पावर्ड बाय GIA. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. तो क्या आप थोड़ा बताएंगे कि आपका जो जर्नी है 1997 से लेके 2020 है आज, कैसा रहा है IIJS के साथ? इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द जर्मन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थ्रू IIJS, एंड नाउ यू नो वी हैव बीन डूइंग the exhibitions, physical exhibitions, and now with the challenge of the time and to overcome this challenge of COVID, jo ye sara initiative hai, jo virtual ka hai, ye bahut hi acha hai, and I hope that this will be really helping the trade in general. Shuru se hi hamari ye koshish rahi hai ki bina exhibitions ke jo hai wo hum apne aap ko showcase nahi kar sakte. Jo hamare paas mein traditional art hai, खूबसूरत ज्वेलरी बनाने का जो कला है, उसको हम तभी सामने ला सकते हैं जब उसको हम एग्जीबिशन के जरिए लोगों को दिखाएं. तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसके जरिए एक तो बड़ा इजी हो गया है, आपको रजिस्ट्रेशन भी इजी हो गया है पहले से, और डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है आपका इतने सारे लोगों से, विद द हंड्रेड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स, यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड, और वन ऑन वन मीटिंग करना इजी हो गया है. पहले किसी के स्टॉल पे जाओ तो चार लोग खड़े हैं, कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा, कभी अगले लोग आपको अटेंशन नहीं दे सकते. सो नाउ इट्स लाइक ए डेडिकेटेड, कंफर्टेबली यू कैन डू इट फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर ऑफिस. और सबसे अच्छी बात है कि पहले कोई एक दो तीन लोग आप एग्जीबिशन देखने जा सकते थे, अभी तो सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल 100 ऑफ द पीपल इफ यू आर इन्वॉल्व इन टू बिजनेस, एवरी वन कैन सी इट. पहले एग्जीबिशन अटेंड करके आते थे तो सबको हम कहानी सुनाते थे अंदर, तो अभी आपको कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, अभी तो सब लोग कहानी का पार्ट है. मतलब इससे इतनी एम्पावरमेंट आ गई है कुल मिला के, और कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा हो गया है और इजी हो गया है. प्रोडक्ट को समझाना, समझना, खरीदना कितना आसान हो गया है कि यहाँ पे देख के आप अच्छे से चीजें ले सकते हैं. अभी देखिए जो लास्ट एग्जीबिशन हुई अपनी वर्चुअल में, उसमें हमने जो पीसेस जो हमने कलेक्टिवली सिलेक्ट करके खरीदे, तो वो सब स्टाफ ऐसा समझता है कि ये देखिए ये वाला पीस तो मैंने सिलेक्ट किया है, नाउ इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू सेल इट. यही तो हम सब चाहते हैं एक्चुअली, फेलोशिप हो, एम्पावरमेंट हो, कम्युनिकेशन हो, डेलीगेशन हो, तो ये ऑटोमेटिक आ रहा है इस प्लेटफॉर्म से. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप राजेंद्र जी. और राजेंद्र जी, आप एक्सपोर्टर भी हैं, यू नो पिछले 20 साल से आप एक्सपोर्ट्स में भी हैं, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये जो सेकंड एडिशन आने जा रहा है जनवरी में, और इसमें काफी सारे नए फीचर्स हैं, वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी है, बहुत कुछ है, सो एज अ एक्सपोर्टर हाउ डज इट बेनिफिट यू, और हाउ डज एक्सपोर्टर शुड लुक एट इट? हम इतने ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करने लग गए हैं, जिससे हर काम करने वाले के लिए काम करना आसान हो गया, और टेक्नोलॉजी की एडवांटेज जो हमने ली है प्रोएक्टिवली, ये बहुत अच्छी है, और इसको जो जो लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं अभी, वो लोग बहुत हैप्पी हैं, बिकॉज यू नो सिलेक्शन बिकम्स इजी. हमारे प्रोडक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एवरी पीस इज डिफरेंट, और सारा काम तो सब कला का ही है, तो कलाकार की कला देखने का जो आपको मौका इसमें मिलता है वो वैसे तो मिलता नहीं है. दिस इज सो गुड, यू नो एज वी नो दैट इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन अदर कंट्रीज, वेयर एवर द इंडियंस आर द बायर्स, they are very happy. Where the non-Indians are the buyer, they are astonished to see the potential of India. Abhi virtual hone se, we are directly reaching to their offices and their selection centers. So it is such a great empowerment which has come into the business. सबसे कहूँगा जो भी ये देखना देख पा रहे हैं कि हमें सबको definitely experience करना चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि हम जब experience नहीं करते हैं तो हम उसकी रियलिटी से वाकिफ नहीं होते. तो हमारा बिजनेस है, हम सबको जरूर ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. इसमें फेलोशिप भी है, इसमें नए प्रोडक्ट की नॉलेज भी है, और आगे बढ़ने की जो है वो एंथुसिएज्म भी है. तो हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, पूरे दिल से इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए. जरूर सर, जरूर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नमस्ते. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.